नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी रचना में आज का प्रकरण है संज्ञा। आज के विषय को प्रारंभ करने से पहले आइए हम देखते हैं एक बगीचे को। बगीचे में हम क्या देख रहे हैं, एक एक चीज का हम अलग से अध्ययन करेंगे और ध्यान से देखेंगे और उसका नाम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक हमको पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसके बाद में हमको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके पश्चात पेड़ पर लगे हुए फल आम दिख रहे हैं। बगीचे में बालक झूले पर खेल रहा है, वह एक लड़का है। बेंच पर दादाजी बैठे हुए हैं, माताजी बच्चे को खिला रहे हैं, लड़कियां खड़ी हुई आइसक्रीम खा रही हैं, माली बगीचे में कार्य कर रहा है। बगीचे में फूलों पर तितली बैठी हुई है। बगीचे के बाहर चौकीदार चौकीदारी कर रहा है। बगीचे के बाहर आने जाने के लिए सड़क है। बगीचे में हमने अलग अलग वस्तुओं को, चीज़ों को, व्यक्तियों को, प्राणियों को देखा। अभी आगे अध्ययन करने से पहले आइए देखते हैं एक पहेली। अपने सामने एक सिंबल दिया हुआ है और एक नारा लिखा हुआ है, को से कोई, रो मतलब रोड पर, ना मतलब ना निकले। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे विद्यालय बंद हैं और हम सभी अपने अपने घर पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना नाम की इस महामारी ने सभी को घर पर बिठा दिया है और बालकों के विद्यालय को बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि यह कोरोना के बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले किसने जानकारी दी? अभी यह जानकारी देने वाले थे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। नरेंद्र जी मोदी एक व्यक्ति हैं, ऐसे ही भारत में महान व्यक्ति कुछ और जिसके नाम बताए जा रहे हैं और आपके सामने चित्र दिए जा रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, महान वैज्ञानिक, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अपने अपने क्षेत्र में ये सफल व्यक्ति हैं। आइए दूसरी पहेली देखते हैं। घर वह नहीं बनाती है, मीठे गीत वह गाती है, रंग है उसका पूरा काला, कौवे को नहीं सुहाती है। इस पहेली का उत्तर क्या आप जानते हैं? इस पहेली का उत्तर है कोयल। कोयल एक पक्षी है, ऐसे ही और भी पशु पक्षी के नाम अपन देख सकते हैं, मोर हैं, शेर हैं, बंदर हैं आदि। ऐसी कुछ वस्तुएं हमारे सामने दिख रही हैं, घड़ी, मोबाइल, बैग, पेंसिल। एक और पहेली एक बार, पिंक सिटी यह कहलाता है, हवा महल है इसकी शान, राजस्थान की है राजधानी, झटपट बताओ इसका नाम। तो हम सभी जानते हैं कि यह और कुछ नहीं जयपुर है। ऐसे ही अन्य स्थान, अस्पताल, ताजमहल, मुंबई, ये अन्य स्थानों के नाम हैं। एक और पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही बुझ जाती है? तो हम जानते हैं पानी पीते ही क्या बुझ जाती है, तो कहें प्यास बुझ जाती है। ऐसे और भी प्रकार के भाव होते हैं, जैसे हमको प्यास लगती है, जैसे कभी कभी कोई विषय पर क्रोध आता है, गर्मी लगती है, दोस्ती आपस में हो जाती है, अच्छा काम होने पर खुशी होती है, ऐसे अनेक प्रकार के भाव जिसको हम महसूस करते हैं। इस प्रकार हमने व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की, भाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। यही इन हम अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा। इन सब का मिश्रित रूप, इन सभी को मिला दें तो वही संज्ञा है। जैसे संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब तक के अध्ययन के अनुसार व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के शब्दों को अलग अलग करें। मीना, हिरण, फुटबॉल, चिड़िया, मिठास, कश्मीर, मोबाइल, आगरा, बिल्ली, अच्छाई, मोहन, बूढ़ापा, सीता, दिल्ली, अलमारी। इसमें हम देखते हैं व्यक्तियों के नाम में मीना, मोहन, सीता, प्राणियों के नाम में हिरण, बिल्ली, चिड़िया, वस्तु के नाम में अलमारी, फुटबॉल, मोबाइल, स्थान में आगरा, कश्मीर, दिल्ली, भाव के नाम में अच्छाई, मिठास, बूढ़ापा। ये सभी प्रकार के शब्द संज्ञा सूचक शब्द, संज्ञावाची शब्द कहे जाते हैं। एक बार पुनः संज्ञा की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक चित्र है जिसमें व्यक्ति दिख रहा है, उसके पास में टेबल के रूप में एक वस्तु रखी हुई है, उसके पास में प्राणियों के चित्र दिख रहे हैं। एक व्यक्ति उदासीन भाव से बैठा हुआ है, उसमें बालक में भाव प्रकट हो रहे हैं, और एक स्थान का चित्र हमको दिख रहा है। सबसे पहले व्यक्ति में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा। उसी प्रकार वस्तुएं आपके सामने चित्र दिख रहे हैं, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। उसी प्रकार प्राणियों के चित्र आपको दिख रहे हैं, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी। उसी प्रकार स्थान के नाम दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। ये सभी उदाहरण हमने संज्ञा के देखे, अर्थात संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारी पुस्तक में अध्याय 4 संज्ञा में एक हिंदी में अवतरण दिया गया है, उस अवतरण का हम अध्ययन करते हैं। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार अयोध्या के लोगों को अत्यंत प्रिय थे। संपूर्ण नगरी उनकी सुंदरता देख देख कर प्रसन्न होती थी। राजकुमारों के बचपन की क्रीड़ाओं को देख देख कर राजा अपने बुढ़ापे को भूलकर बचपन में खो जाते थे। चारों की शिक्षा प्रारंभ हुई। वेदों के साथ साथ शस्त्र और अस्त्रों की शिक्षा भी दी जाने लगी। राम धनुष बाण चलाने में प्रवीण हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें राक्षसों के आतंक के बारे में बताया। राम ने राक्षसों को इस धरती से नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। राम ने रावण तथा उनके भाइयों का वध किया। अब उपरोक्त गद्य खंड में से हमको गहरे काले छपे शब्दों को नीचे रिक्त स्थान में लिखना है। तो नीचे ऊपर जो काले गहरे शब्द हैं, वह शब्द हैं भगवान श्री राम, महाराजा दशरथ, पुत्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राजकुमार, अयोध्या, लोगों, नगरी, सुंदरता, प्रसन्न, राजकुमारों, बचपन, बूढ़ापे, वेदों, शस्त्र, अस्त्रों, धनुष बाण, प्रवीण, महर्षि विश्वामित्र, राक्षसों, रावण, भाइयों। प्रश्न 1 में जो हमने उत्तर लिखा है, उसमें से हमें उन शब्दों को छांटकर जो प्राणियों से संबंधित हैं, वह प्रश्न 2 के उत्तर में लिखना है। तो प्राणी अर्थात व्यक्तियों के नाम में हैं दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र, रावण आदि। ऐसे सब छांट कर लिखने हैं जो किसी वस्तु का बोध कराते हो। तो हम देख रहे हैं वस्तु का बोध कराने वालों में धनुष बाण। प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे शब्दों को लिखना है जिसमें किसी स्थान का ज्ञान होता हो। तो उसमें स्थान का ज्ञान में हमें जानकारी आ रही है कि वह है अयोध्या। उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें किसी गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है। तो उसमें सुंदरता, बचपन, बूढ़ापा। स्पष्ट होता है कि किसी प्राणी,
या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।